मैं हूँ अभी कैब में और मैं निकल गया हूँ बॉम्बे के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल का दिन बहुत स्पेशल है और मैं कंटिन्यू रखूँगा बिकॉज मुझे एक दिन पहले मैं इसलिए आया बिकॉज मुझे हेयर कट कराना था, मुझे थोड़ा सा फेस अपना ठीक करना था बिकॉज कल से शूट है। मैं निकल गया हूँ अपने सेट के लिए एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मैंने अपना सारा सामान रख लिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अपना सेट दिखाने के लिए। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग भी देख पाएं कि हमारी शूटिंग कैसे होती है। लेट्स गो। हम आ गए हैं अंधेरी ईस्ट साकीनाका में जहाँ पर ये SG स्टूडियो है। चलिए चलते हैं अंदर। और ये है मेरा मेकअप रूम। अब हो गई है तैयारी शुरू जतिन शाह की गौरव थापर बनने की। मेरा कैरेक्टर नेम गौरव थापर है। एंट्री शॉट। इतनी जोर से लाइट है पीछे, जेन्युइनली लग रहा है सब। घर वालों ने बहुत समझाया था बिजनेस करते हैं लेकिन एक्टर बनना था, अब बनी एक्टर। डिनो हाइट लो, बस थोड़ा सा राइट में लो, पार्क एंड लेफ्ट में लो, लेफ्ट में ले पार्क एंड। हाँ और इससे पहले वाला आप लोगों को देखने में कितना इजी लगता होगा लेकिन एक ही शॉट हम लोगों को कम से कम 5 बार 10 बार करना पड़ता है। जब तक कि डायरेक्टर कन्विंस ना हो, जब तक कि एक्टर कन्विंस ना हो, हम लोगों को कंटिन्यूसली शॉट्स लेने ही पड़ते हैं। और जैसे कि मेरा एंट्री शॉट है तो थोड़ी सी मेहनत हम लोगों को ज़्यादा करनी पड़ी। और एक ही शॉट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेना पड़ता है। यहाँ डायरेक्टर से समझा रहे हैं कि कैमरामैन जो है वो वहाँ ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से शूट करेंगे मेरी एंट्री। सो वो सब डिस्कशन चल रहा है अभी। गाड़ी ऐसी तो ये उतर और ऐसे जा रहा है। मतलब सब ये टॉप एंगल नहीं, एक काम करता हूँ, गाड़ी को ऐसे रखता हूँ टॉप एंगल में, उतर और ये गाड़ी की तरफ आ रहा है, गाड़ी की तरफ आ रहा है ना। तो मैं काम करूँ, गाड़ी ऐसे लगाऊंगा, ऐसे चलते और राइट में चला जाए सब। सो हमारी लैंग्वेज में इसको, ये मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको, इसको सीढ़ी बोलते हैं लेकिन शूटिंग वाली लैंग्वेज में इसको घोड़ा बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ सामने से, ये देखिए इसको बोलते हैं घोड़ा। अब ये क्या कर रहे हैं ऊपर, कैमरामैन ऊपर है और कैमरा लेके ऊपर है, कितना बड़ा रिस्क है यार। देखिए इट्स नॉट ईजी टू शूट दोस्तों। अरे बाप रे, 3 लोग 4 लोग यहाँ पकड़े हुए हैं और हमारे कैमरामैन और उनके असिस्टेंट ऊपर हैं। अबे वॉक का शॉट, गाड़ू लग रही है, बस ये पीछे 3 कैमरे हैं, चलो 2 3 और ये वाला शॉट लेते वक्त सबको बहुत डर था क्योंकि ये आउटडोर शूट था और बारिश कभी भी आ सकती थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि कम से कम ये वाला शॉट जल्दी से जल्दी निकल जाए। और जिसका डर था वही हुआ, बारिश बहुत जोरों से स्टार्ट हो गई बट हमने एटलीस्ट शॉट अपना कंप्लीट किया और टेक ओके था। बारिश हट जाओ, बारिश आ गई, शूट रुक गया बहुत ही जोर से। फाइनली एंट्री शॉट खत्म किया हमने, अब यहाँ होने वाला है मेरा पहला सीन। ठीक है,
फोगन प्रॉपर्टी में, और उसने छोटे कैसा है पैन करके प्रॉपर्टी एक इसके इसने बोला छोटे कैसा है इसका टर्न, और हम लोगों ने ट्रॉली लेके वाइड और एक कॉम्बैक वो शॉट दिया है। अभी एक शॉट बाकी है, कौन सा शॉट नहीं वो रिविलेशन जो हमने किया था ना। तुमने जो गलती की है उसकी सजा नहीं दे रहा हूं मैं तुझे। गुस्सा तो बहुत आया था। ऐसे हाईवे वाले शॉट ऐसे शूट होते हैं। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये क्रोमा है। सो यहाँ पे ये लोग कुछ इफेक्ट्स डाल देंगे, जैसे लाइट्स डाल देंगे, मूविंग कार्स डाल देंगे। एक ही जगह गाड़ी खड़ी रहती है, मैं बैठा हूँ और वो गाड़ी आगे से कुछ एडीज रहते हैं जो हिलाते रहते हैं गाड़ी। वो मार मार रहे हैं और सो फाइनली आई एम बैक होम। और पहला दिन बहुत ही अमेजिंग था। आधे लोगों को पता है आधे लोगों को नहीं पता होगा ये कि मैंने अपने करियर की शुरुआत बालाजी से ही की थी। मेरा पहला शो था बालाजी के संग कसौटी जिंदगी की। और आप मानेंगे नहीं, मेरे पहले शो के जो को स्टार थे को आर्टिस्ट थे वो भी शब्बीर भाई थे। और अभी वापस मैं उनसे 2006 के बाद अभी करीबन 15 साल के बाद वापस से उनके संग स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आया। प्रोडक्शन वाले डायरेक्टर्स वो सबका फ़ोन आया मेरे पास। ये वही डायरेक्टर हैं वही प्रोडक्शन वाले हैं जो मेरे संग कस्तूरी में थे, जो कहानी घर घर की में थे। तो एकदम लगा ही नहीं कि मैं नई जगह जा रहा हूँ। और एक अलग सी फीलिंग होती है यार बालाजी में। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने बाहर भी काम किया है बहुत साल, बालाजी में भी किया है, लेकिन वो जो बालाजी का ट्रीटमेंट होता है, बालाजी की जो फील होती है, बहुत ही अमेजिंग है। पहला दिन बहुत अच्छा गया, आपने वीडियो में देखा ही होगा। नया लुक है मेरा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही और वीडियोस बनाऊंगा मेरे शूट के। तो स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल आई सी यू गाइस अगेन, टेक केयर।